वीर वहला आवो ने, गौतम कही बुलावो ने, हृदय को भावुक कर देने वाला यह स्तवन आज हम इस वीडियो में संवेदना के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सभी को भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक यानी मोक्ष कल्याणक, जिसे हम दिवाली के रूप में भी मनाते हैं, यह शुभ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अद्भुत स्तवन को समझने से पहले कुछ बातें हमें जाननी होगी। श्री इंद्रभूति यानी गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, प्रथम गणधर थे, 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु थे। गौतम स्वामी जिन्हें भी दीक्षा देते थे उन सबको केवल ज्ञान हो जाता था, लेकिन खुद गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। इसका एकमात्र कारण था भगवान महावीर स्वामी के ऊपर का राग। बाकी के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु के ऊपर राग तो था ही, लेकिन वो राग गुणों का राग था, जैसे प्रभु कितने गुणवान है उस बात का राग था। जबकि गौतम स्वामी को गुणों के राग के साथ साथ भगवान महावीर नाम के व्यक्ति पर भी राग था। इसको सिंपल उदाहरण के साथ समझते हैं। बच्चा यदि गुणवान हो या फिर दोषवान यानी बदमाश हो तो भी माँ को तो उस बच्चे पर राग ही होता है। यह राग हुआ स्नेह राग। शिक्षक को गुणवान बच्चों पर राग होता है, दोषवान या बदमाश बच्चों पर राग नहीं होता। यह हुआ गुणों का राग। गौतम स्वामी का प्रभु के ऊपर जो राग था वह माँ के राग के जैसा राग था। बाकी के सभी लोगों का राग शिक्षक के राग के जैसा राग था। यानी एक हुआ स्नेह राग यानी व्यक्ति का राग, और एक हुआ गुणों का राग यानी व्यक्तित्व का राग। यह स्नेह राग की वजह से ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। गौतम स्वामी केवल ज्ञान पाने के लिए तड़पते थे, रोते थे, दुखी भी होते थे, प्रभु को फरियाद भी करते थे, लेकिन स्नेह राग टूटता ही नहीं था, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता था। इस तरफ प्रभु के निर्वाण का यानी कि देह के त्यागने का, मोक्ष में जाने का, सरल भाषा में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसका समय नजदीक आ चुका था। प्रभु ने जानबूझकर गौतम स्वामी को दूर भेज दिया। बहाना ये बनाया कि जाओ उस गांव में देव शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, उसको प्रतिबोध करके आओ। प्रभु गौतम स्वामी के राग को तोड़ना चाहते थे और गौतम स्वामी को पता नहीं था कि प्रभु का निर्वाण होने वाला है। वे गए और देव शर्मा को प्रतिबोध करने का प्रयास किया। जब गौतम स्वामी वापस लौट रहे थे तब रात को किसी स्थान पर रुके हुए थे और उसी रात को लगभग 12 बजे के बाद प्रभु महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, यानी वे मोक्ष में पधारे। लाखों देव आकाश से पावापुरी की ओर जाने लगे। देवों के विमान आदि का प्रकाश धरती पर फैल गया। रात को गौतम स्वामी उठ गए और कुतूहल से किसी देव को पूछा कि क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हो, इतने दुखी क्यों दिखते हो। तब वह देव ने जवाब दिया कि प्रभु महावीर का निर्वाण हो गया है, इसीलिए हम सब वही जा रहे हैं। गौतम स्वामी को अत्यंत आघात लगा। वे अपना होश खो बैठे। समय का, स्थान का, अपने पद का, अपनी मर्यादा का उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहा। छोटे बच्चे की तरह रोने लगे, मानो 80 साल के वयोवृद्ध उस वक्त एक माँ के वियोग में रोते हुए 5 साल के बच्चे जैसे हो चुके। उस वक्त उनके मुंह से क्या शब्द निकले थे, किस तरह गौतम स्वामी ने रो रो कर विलाप किया, वो हम इस स्तवन और संवेदना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि प्रभु महावीर ने ऐसा क्यों किया, क्यों गौतम स्वामी जी को दूर भेज दिया, उन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी स्तवन और संवेदना में प्राप्त होगा। कविराज पूज्य वीर विजय जी महाराज साहिब द्वारा लिखे हुए इस अद्भुत स्तवन को फोरम प्रशंसा बहन ने बहुत ही भावपूर्वक गाया है। यदि संभव हो तो ईयरफोन्स डालकर एकांत में यह स्तवन और संवेदना सुन सकते हैं। तो आइए प्रभु महावीर के निर्वाण का समय, उनके मोक्ष में जाने का समय और गौतम स्वामी के विलाप की दुनिया को अनुभव करने का एक प्रयास करते हैं। वीर 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 महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर महावीर महावीर। हे प्रभु, आप कहाँ चले गए, क्यों चले गए? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, अनाथ बन गया मैं, आप वापस आओ, जल्दी आओ। आप हर रोज मुझे कितनी बार गौतम गौतम कहकर बुलाते थे ना, और मैं भी कितना खुश होता था आपके मुख से मेरा नाम सुनकर। आज मेरे कान तरस रहे हैं वो गौतम शब्द सुनने के लिए। आओ प्रभु, मुझे आपके दर्शन चाहिए। हे वीर, मुझे पता है कि तू तो वितराग है, तुझे मेरे ऊपर तनिक भी स्नेह नहीं है,
लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं रागी हूं, अज्ञानी भी हूं। अज्ञानी ही राग करने की गलती करता है ना। मैं जो हूं वो हूं, आपको वापस आना ही पड़ेगा। वीर वेला आवोनी, गौतम कही बुलावोनी। वीर वेला आवोनी, गौतम कही बुलावोनी। दर्शन वेला दे प्रभु तू निसनी मुससनी अजान रे। वीर वेला आवो गौतम कही बुलावो। मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप कभी भी मेरे साथ माया कपट नहीं ही करोगे, लेकिन आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। पूरी जिंदगी मुझे आपके साथ रखा और जब आपका अंतिम वक्त आया तब ही मुझे दूर भेज दिया। खुद चले गए मोक्ष में, बन गए अनंत सुख के मालिक। भगवान, आपको तो व्यवहार का भी भान नहीं है। कोई भी पिता अपने अंतिम समय पर अपने बेटों को अपने पास बुला लेते हैं, अंतिम हित शिक्षा देते हैं। मैं तो आपका सबसे बड़ा बेटा आपके पास ही था और आपने मुझे ही दूर भेज दिया। क्यों प्रभु क्यों? क्या राज है इसके पीछे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। सच में भगवान, आपकी ऐसी रहस्यमय बातों का मुझे खुद भी ज्ञान नहीं है। बोलो प्रभु, क्यों किया ऐसा? क्यों मुझे अंतिम समय पर दूर भेजा? क्या गलती थी मेरी? क्यों मेरा विश्वास तोड़ा? बोलो प्रभु बोलो। गौतम भणि भूनाथ ते विश्वास आपी चेतरो, पर गाम मुझने मोकली तू मुक्ति रमणी ने वरो। हो जिन जीतारा गुप्त भेदो थी अजान, क्या आपने ये सोचा था कि अगर गौतम अंतिम समय पर पास में होगा तो वो भी मेरे साथ साथ मोक्ष में आएगा और वहाँ मोक्ष नगर में जगह कम है, हम दो नहीं जा सकते? क्या ऐसा सोचा था आपने? या फिर ये सोचा था कि गौतम दोष से भरा हुआ है, मोक्ष में जाने के लिए लायक नहीं है, इसीलिए उसको दूर भेज देना ही अच्छा ताकि उसको मोक्ष में ले जाना न पड़े। पास में होगा तो वो भी जिद करेगा, बहुत जिद करेगा। क्या ऐसा सोचा था आपने? तो सुन लो प्रभु, आपने बहुत गलत सोचा। आपने मुझे पहचाना ही नहीं है। मुझे आप पर राग जरूर है, लेकिन आपको मेरे कारण परेशान होना पड़े ऐसा मैं कभी भी कुछ नहीं करता। अरे, आपने सिर्फ मुझे बोल दिया होता कि गौतम मैं जा रहा हूँ और तुझे मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तो प्रभु एक पल में आपकी बात मान लेता मैं, या कोई भी आपको नहीं रोकता। वैसे भी कौन किसको रोक पाता है प्रभु? वैसे मैं अज्ञानी, फिर भी इतनी समझ तो मेरे पास है कि जब पिता मृत्यु के बिछाने पर लेटे हो तब उनके पास संपत्ति का भाग मांग कर उनको परेशान नहीं करना चाहिए। प्रभु, मैं आपको खुशी से जाने देता, कुछ नहीं मांगता आपके पास, लेकिन अंतिम समय पर आपके पास रहने का मौका तो मिलता। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ, बहुत बुरा। शिवनगर है तू शूसाकड़ों के हती नहीं मुझ योग्यता, जो कहो हाथ मुझने तो कौन को मन में जब जब जो भी प्रश्न खड़े होते तब तब
बालक बनकर आपको पूछता था और आप माँ बनकर जवाब देते थे। कभी भी मुझे मना नहीं किया, कभी भी मुंह नहीं बिगाड़ा, कभी भी ऐसा भी नहीं कहा कि बाद में दूंगा जवाब। उसी वक्त जवाब दिया, प्रेम से जवाब दिया। भगवान, अब क्या, अब कौन मेरे प्रश्नों का जवाब देगा? जवाब देते वक्त आप मेरा नाम बोलते थे प्रभु, अब कौन मुझे गौतम कहकर बुलाएगा? मुझे लोगों के मुंह से गौतम स्वामी शब्द सुनने में खुशी नहीं है, लेकिन आपके मुंह से गौतम शब्द सुनने में ही खुशी है। अब वो खुशी मैं कैसे पाऊंगा? अरे, मेरी कोई गलती थी तो मुझे छोड़ देना था, लेकिन ये बिचारे संग की क्या गलती? अब ये लाखों साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को कौन संभालेगा? लाखों लोगों के मन की शंकाओं को अब कौन दूर करेगा? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप वापस आओ, मोक्ष में से ही सही, लेकिन आप वापस आओ। आपकी पवित्र वाणी से मुझे और सबके कान को पवित्र करो। आ रहे हो ना प्रभु? मम प्रश्न ना उत्तर दे, गौतम कही कौन बोलावशे, कौन सार करशे संगनी, शंका विचारी क्या जशे। हे पूर्ण कथा कही पावन करो माम कान रे, वीर वेला आवो गौतम कही बोलावो। हे जिनेश्वर देव, आपको पता है आप सूर्य जैसे थे। आप जब तक थे तब तक दुनिया में मिथ्यात्व नाम का अंधकार छा नहीं सकता था। आप थे तब तक दुष्ट बुद्धि नाम का उल्लू जाग नहीं सकता था। आप थे तब तक निंदा चुगली नाम के चोर बढ़ नहीं सकते थे। आप गए, अब सब कुछ होगा। लोगों में मिथ्यात्व बढ़ेगा, लोगों में दुष्ट बुद्धि जगेगी, लोगों में निंदा चुगली बढ़ेगी। प्रभु, क्या अच्छा लगता है आपको ये सब? नहीं ना तो वापस आओ, बैठो समव शरण में, शुरू करो आपकी अमोद देशना। आपकी देशना ही तो आपका विश्वव्यापी प्रकाश है। जीन वाण अस्त थताति मेर मिथ्यात्व सघड़े व्यापशे, गोमती कौशिक जागशे ने चूर चुंदन वधि जशे। हे त्रिगणे बैसे देश ना दो जग भाण रे, वीर वेला आवो गौतम कही बोलावो। ओ महावीर, आपके शिष्य है 14,000, मेरे गुरु है एक आप ही। आप मत कहना मुझे कि तेरे भी 50,000 शिष्य है, क्योंकि मैंने मेरे शिष्यों को शिष्य माना ही कहा है। मेरा लगाव सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। मेरे 50,000 शिष्यों को मैंने तो आपका ही शिष्य माना है। मैं एक ही था, आप ही थे दुनिया में मेरे लिए दूसरे। अब आप भी गए, मैं हो गया अकेला, अनाथ। एक बच्चे को भयानक जंगल में अकेला छोड़ देने वाली माँ कितनी क्रूर होगी ना? भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा ही किया ना? मुझे संभालने का आपका कर्तव्य भी आपने नहीं निभाया। प्रभु, जागृत दशा की तो बात छोड़ो, सपने में भी मैंने आपसे अलग होने का कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आपने तो हकीकत में ये कर दिखाया। वाह प्रभु वाह, धन्यवाद है आपको। मुनि चोद सहस चेता ने भारी वीर तू एक छे, तड़वड़ तो मुझने की गया प्रभु क्या तमारे टेक छे। प्रभु स्वप्नांतर मा अंतर न धरु सुजान रे, वीर वेलावो गौतम कही बोलावो। मैंने सोचा था कि मुझे प्रभु की हर एक आज्ञा पालनी ही है, और मैंने आज्ञा पालन का रास्ता ही अपनाया था। आपने मुझे जब कहा
कि जा, देव शर्मा को प्रतिबोध करके वापस आ। तब भी मेरी इच्छा ही कहा थी कि मैं वहां जाऊं, लेकिन एक ही बात, मेरे प्रभु की आज्ञा है तो मुझे जाना ही है। और मैं मूर्ख, मैं भोला, कुछ सोचे समझे बिना निकल गया। अरे मैंने एक बार मेरे श्रुत ज्ञान से भी देखा होता तो भी मुझे पता चल जाता कि आपका निर्वाण होने वाला है, लेकिन मैंने आपके ऊपर कितना विश्वास रखा, कुछ भी नहीं सोचा। और इसका ये फल मिला मुझे कि आपके अंतिम समय पर भी मैं आपसे मिल नहीं पाया। क्या गुरु समर्पण करने का ये नतीजा होता है? क्या गुरु आज्ञा पालन करने का ये नतीजा होता है? मैंने समर्पण रखा, मैंने आज्ञा मानी, इस कारण आज मैं रागवश होकर भटक रहा हूँ और आप तो मोक्ष नगर में पहुंच गए। अब तो कोई भी शिष्य ये जानने के बाद गुरु समर्पण नहीं रखेंगे। अरे प्रभु, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कितने घंटों से वीर 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 बोलता ही जा रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती क्या? या फिर मोक्ष सुख में इतने मग्न हो गए कि शिष्य के दुखों को, पीड़ा को, वेदना को देखना भी भूल गए? वारे वाह प्रभु, वारे वाह, बहुत अच्छे गुरु हो आप, बहुत अच्छी माँ हो आप। दीक्षा लेकर 30 साल हो चुके मुझे। मैंने कितना चाहा प्रभु को, लेकिन उन्होंने कहा मुझे चाहा, बस यही सच है। ना वो मेरे वीर है, ना मैं उनका गौतम हूँ। कोई किसी का नहीं है, सबको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, किसी के ऊपर राग करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु वीर ने भी कुछ गलत नहीं किया है, वो इस सत्य को जानते ही थे, इसीलिए ही उन्होंने वितरागता पाई। वो मुझे भी यही तत्व समझाना चाहते थे, अभी तक मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन अब पता चला कि मुझे ये तत्व समझाने के लिए ही उन्होंने मुझे अंतिम समय पर दूर किया है। भगवान, मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने गलत सोचा कि आपने मुझे धोखा दिया है। अब पता चला कि आपने 30 वर्ष पहले दीक्षा देकर मेरे ऊपर महान उपकार किया था, और आज मोक्ष में जाते जाते भी आपने मेरे ऊपर उपकार कर ही दिया। मेरे राग को तोड़ने के लिए आपने ये सब किया, आखिर अंत वक्त में भी आपने मेरा ही तो भला चाहा। प्रभु आपको करोड़ों वंदन, अब मैं आपके ऊपर राग नहीं करूँगा, निकल ही गया है मेरा राग। रात को लगभग 12 बजे से लेकर सुबह 3 से 4 बजे तक गौतम स्वामी का विलाप चला। आखिर में राग नाम की गांठ टूटी और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रभु के निर्वाण से अत्यंत दुखी लोगों को सुबह के समय पर ही गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का महोत्सव करने का मौका मिला। प्रभु वीर की करुणा कितनी थी वो तो देखो, कि अपने निर्वाण के निमित्त से संग को, देवों को ज्यादा देर तक शोक में रहना न पड़े, इसीलिए ऐसी ही व्यवस्था कर दी कि सबके प्यारे, सबके लाडले गौतम स्वामी को केवल ज्ञान दिला दिया। सबका शोक हर्ष में बदल गया। गौतम स्वामी जी अनंत लब्धि के भंडार थे, उनका नाम भी कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न की तरह सभी इच्छा पूरी करने वाला है, धन संपत्ति की प्राप्ति भी करवाने वाला है। कार्तिक वद अमावस रात को भाव दीपक यानी कि केवल ज्ञानी प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ। राजाओं ने द्रव्य दीपक प्रगटाए और लोगों में उस दिन को
दिवाली कहा गया। कविराज श्री वीर विजय जी महाराज साहिब कहते हैं कि सभी नर नारी प्रभु वीर का और गौतम स्वामी का गुणगान करें। कार्तिक मास अमास रात्रि अस्त भाव दीपक तनु द्रव्य दीपक निजोत प्रगटे लोक दीवाणी गो